67 न्यूज के इस भाग के प्रायोजक हैं साहिल होंडर। मैदान से कवर्स हट गए हैं, एक्टिवा 6G क्रीज पर रोमांचक गेम की उम्मीद और आते ही साइलेंटली दे मारा है 6। बिल्कुल शॉकिंग नहीं, और ये एक और शानदार 6, इसे कहते हैं क्लीन हिट, एकदम क्लीन 6। ओह, बहुत ही दूर दे मारा है ये, एकदम स्मूथ हिट, और ये एक और 6। अपनी क्रीज में सेट है, कंफर्टेबली खेल रहे हैं, सबको कर दिया है हैरान, व्हाट अ 6। जी हाँ, नए BS6 एक्टिवा 6G के साथ इंडिया मारेगा एक बेहतरीन बेहतरीन 6। एक्टिवा 6G, 6 चेंजेस द गेम। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक सीटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला Level 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अधिकृत एकमात्र हॉस्पिटल। हो पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौनो नहीं। भोपाल इंदौर में कोरोना से जुड़ी खबरें सुनकर आश्चर्य में पड़ने वाले सागर शहर के लोग अब सावधान हो जाएं, क्योंकि सागर में भी तेजी के साथ कोरोना बीमारी अपने पैर पसारती नजर आ रही है। इस हफ्ते कोरोना ने तेजी के साथ शहरवासियों के बीच अपना उग्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बायोलैब से प्रतिदिन जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है, उस हेल्थ बुलेटिन में एक दर्जन से ज्यादा कोरोना से संक्रमित व्यक्ति सामने आ रहे हैं। बुधवार की देर शाम जो बुलेटिन जारी हुआ है, उसमें कोरोना से संक्रमित 33 मरीज सामने आए हैं। शहर और जिले में बढ़ रही प्रशासनिक सक्रियता और बिना मास्क लगाए वाहन चालकों के काटे जा रहे चालान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिले में बैठे प्रशासनिक अधिकारी एक बार फिर मीडिया के सामने आकर आमजन को कोरोना से जुड़ी सारी सावधानियां बरतने की सलाह दे रहे हैं। बैठक में ये बात निकल के आई है कि सागर जिला मुख्यालय मकरोनिया और कैंट सदर क्षेत्र में अभी पिछले 7 दिनों में प्रकरणों की संख्या बढ़ी है, इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि सागर और इससे लगे हुए क्षेत्र में मकरोनिया और सदर कैंट में कोई भी बड़े मेले बड़े कार्यक्रम का आयोजन अभी अनुमति नहीं दी जाएगी, और अगर कोई मेले या बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं तो उनको स्थगित किया जाएगा। इसके साथ ही मास्क लगाने और सैनिटाइज़र का उपयोग करने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा, रोको टोको अभियान बड़े पैमाने पर शुरू किया जाएगा। जहाँ सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पाए जाएंगे तो उनके ऊपर फाइन भी लगाया जाएगा, 100 रुपीज़ का फाइन उनसे वसूल किया जाएगा। हमने ये भी कहा है कि जो भी नए केस मिल रहे हैं उनका कंट्रोल कमांड सेंटर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगातार उनका मॉनिटरिंग होगा, और उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी अब पहले की तरह से की जाएगी, और जो भी व्यक्ति पॉजिटिव केस के संपर्क में आए हों उनको भी हम क्वारंटाइन करेंगे। मैं सागर जिले के सभी निवासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप एक तो वैक्सीनेशन जरूर कराएं, दूसरा कोरोना के केसेस अभी बढ़ना फिर से शुरू हो गए हैं, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, अपने हाथ को सैनिटाइजर या साबुन से धोते रहें, बाहर नहीं निकलें, अगर बहुत आवश्यक है बाहर निकलना तो वहाँ पर आप सामाजिक दूरी बनाए रखें। सागर में जो कोरोना के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, और न सिर्फ सागर बल्कि आसपास के जिलों में भी लगातार इस प्रकार का ट्रेंड देखा जा रहा है, इसके चलते क्राइसिस मैनेजमेंट की जो आज कमेटी की बैठक हुई है, उसमें ये डिसाइड किया गया है कि पहले की तरह ही जो है कंटेनमेंट और जो आइसोलेशन को लेकर सख्तियाँ थी उनका पाबंद किया जाए, और ऐसे फर्स्ट कॉन्टैक्ट्स जो कि ऐसे पाए जाते हैं जिनके फैमिली या उनके फर्स्ट कॉन्टैक्ट में कोई कोरोना पॉजिटिव आया है, वो अगर आइसोलेशन जोन से बाहर पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो है FIR की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखें तो कहा जा सकता है कि एक लंबे अंतराल के बाद सागर में कोरोना का विस्फोट सामने आ गया है। बीते 24 घंटे में BMC की बायोलैब से कोरोना के 33 केस सामने आए हैं।
इस साल मार्च का महीना शुरू होते ही बीते साल के मार्च महीने की यादें ताजा हो गई हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की बायोलैब से निकलकर सामने आ रहे कोरोना के मामले देखकर लगता है कि पिछले साल का इतिहास इस साल मार्च के महीने में एक बार फिर दोहराया जा रहा है, क्योंकि हालात तो यही नजर आ रहे हैं। कोरोना से बचाव के लिए तैयारियों से जुड़ी प्रशासनिक बैठकों का दौर अब चल निकला है। सागर जिले में कोरोना के बढ़ते मामले कम नहीं होते तो प्रशासन बहुत जल्द सख्त कदम उठा सकता है, लेकिन कोरोना को काबू में करना लोगों के ही हाथ में है। यानी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं और भीड़ भरे इलाकों से दूरी बनाकर चलें, क्योंकि यही सबसे बड़ी दवाई है जो हम सभी को कोरोना के सक्रिय होने से बचा सकती है, वरना दोबारा लॉकडाउन के हालात बनने से इनकार नहीं किया जा सकता।